وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ولا تكونوا واتقوا الله لعلكم تفلحون قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الآخر الصبر عند صدمة الأوضاع كما قال عليه السلام تنہائی کے سب دن ہے تنہائی کی سب راتیں تنہائی کے سب دن ہیں تنہائی کی سب راتیں اب ہونے لگی ان سے خلوت میں ملاقاتیں بے مایا سہی صاحب کے بلا بھیجے بے مایا سہی صاحب کے بلا بھیجے ہم نے بھی تو بھیجی ہے درودوں کی سوغاتیں کوثر کے تقاضے ہیں کوثر کے تقاضے ہیں تسلیم کے وعدے ہیں ہر روز یہی کہتے ہر روز یہی باتیں اے ایمان والوں اس بلو صبر کرو وصابرو اور صبر کرتے رہو صبر کرنے کا حکم دیتے رہو دعوت دیتے رہو ورابطو اور ایک دوسرے سے رابطے میں تعلق میں ملاقاتوں میں رہا کرو واتقوا اللہ
और अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अजीजाने मोहतरम, बरादराने मिल्लत, हमदो सना, तारीफ व तमजीद के तैयब पर पाकीज़ा कलिमात अल्लाह वहदहु ला शरीक की अज़ीम ज़ात के लिए, जो हम सब का बिना शर्त ग़ैर खालिक मालिक राज़िक और हाकिम है। उसकी खालिकियत और हाकिमियत में कोई शक नहीं। वो रब्बुस समावात वल अर्ज़ है, अला कुल्ली शय्इन क़दीर, फ़ाअलुन लिमा युरीद है। उसकी अमद सना तारीफ और तमजीद के बाद हम गिनत तादाद दुरूद व सलाम हो मेरे और आपके हकीकी पीर, हकीकी मुर्शिद, हकीकी रहबर और रहनुमा जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम्दो सना दुरूदो सलाम के बाद आज का अज़ीम शान पुरवकार खुतबा जुमातुल मुबारक, जो मरकज़ तालीमुल इस्लाम एक्सप्लान पीपल्स सोसाइटी खानवाल यकम सितंबर 2023 को उन फकीर को ये शहादत हासिल हुई कि मैं अहबाब इबादत के साथ में अपनी कुछ बातूरात और गुजारशात पेश कर सकूं। मैंने कुरान मजीद की इस आया मुबारक को तिलावत किया है। ये सूरा आले इमरान की आखिरी आयत है और दूसरा मकाम सूरा बकरा दूसरे पारे से मैंने पढ़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद खुशकिस्मती या इसको बदकिस्मती कहें, कुरान ही दुनिया में हमारे मसाइल का हल है। और जो कौमें कुरान के नुक्ता नजर को ना समझे वो हर फिर गलत की तरह मिट जाती है। अपनी इज्जत अपना वकार बहाल रखने के लिए हमें अल्लाह के कुरान की तरफ पलटना पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वो खूबसूरत पहलू जो सहाबा इकराम वो कीमती बहुत ही चुने और उनके जरिए सहाबा को अल्लाह ने दुनिया में वो वफात दिया कि आज तारीख इस्लाम उनके वफार, उनकी इज्जत, उनकी तकरीब और उनके एहतराम में उनके फजाइल में लिखने से फासिल है कि वो कितने अजीम लोग हैं और अल्लाह ताला ने उनको क्या मकाम दिया। नबी अलैहिस्सलाम की एक बड़ी खूबसूरत हदीस जिसने आपने फरमाया मन रहाली और आमन रहाली, जिस आदमी ने मुझे इस्लाम की हालत में मुशर्रफ का इस्लाम होते हुए कलमा पढ़कर मुझे जिन निगाहों से देख लेता है मेरा अल्लाह उन निगाहों पर जहन्नम की आग को हराम कर दे। और ये शहादत सिर्फ देखने वाले को हासिल नहीं, और आमन लाल जिसने मुझको देखा या जिसने मुझको देखा है उसको देखा उस पर भी अल्लाह जहन्नम की आग को हराम कर दे। यानी सहाबा को तो सहाबा वो अजीब हस्ती है जिन्होंने आज तक आपकी जुबान से दीन को हासिल की। मायारे दीन के लिए एक बात जिंदगी भर याद रखे, मायारे दीन के लिए जो दीन का सबसे बड़ा जरिया है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान होगा। देखिए पूरे का पूरा कुरान अल्लाह ने मोहम्मद की जुबान से दिया,
और हदीस दखीला हदीस जो हजारों की तादाद में वो आपकी जुबान मुबारक से निकले हुए चुके। एक मुसलमान को अपने महबूब के बारे में अपने पैगंबर के बारे में ये अकीदा बना लेना चाहिए कि सारा जहां हो सकता है, सूरज बदल कर तो मेरे जुमलों को और गौर से सुने, शौक तुम्हें बड़ा है कि यहां नुमा पढ़ाया जाए। सारा कायनात का निजाम गलत हो सकता है, सूरज बदल कर तलू हो सकता है, ओह पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, मगर मेरे और आपके नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। जो आपने कहा वो हक और सच है, आप कहते हैं उसमें शक कैसे हो सकता? आप तो अपनी मर्जी से गुफ्तगू ही नहीं करते, अमरे इलाही से बोलोगे। आप कहेंगे वाह आगे की ये बात, अल्लाह ये इनाम करते हुए नजर आते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा, कैसा इलाम अल्लाह, कान खोल कर सुन लो मेरे महबूब के बारे में, आमना के नाम के बारे में, पैतरे हुस्नो जमाल के बारे में, पूरी कायनात के सरदार के बारे में खुलकर मेरे रब ने ऐलान किया। और तौरात वालों जी, इंजील वालों जी, सबूर वाले जी, सहायक वाले जी, सुन लो, कहीं शक में ना रह जाए, किसी को इबहाम बाकी ना रहे कि मेरा पैगंबर कब बोलता है। उस वक्त बात करता है जब हमारा हुक्म होता है, उसके लिए आपको मिसाल आपकी जिंदगी में देता हूं कि बैतुल्लाह इस कायनात में वो अजीम जगह है जिसको अल्लाह का घर होने की शहादत, जिसको रब्बे सुबह मसा का घर कहा, जो इस कायनात में सबसे बड़ा इज्जत वाली जगह है, जहां उम्मत मुस्लिमा के लखू अरबों नफूस अपने चेहरे का रुख उसके बिले की तरफ करके अल्लाह की इबादत, उस घर में आप तवाफ फरमा रहे हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला खलीफा इंसान बुरादे पैगंबर दामादे अली आपसे सवाल करते कि मेरा ये दिल चाहता है खिदमत इब्राहिम को नजराना या हकीकत पेश करने के लिए, अगर आपकी इजाजत हो तो मुकाम इब्राहिम पे खड़े होकर दो नफर पढ़ो, जरा सोचना और फिक्र करना, इबादत है। हम समझते हैं कि ये मिलाद ये इबादत है, ये खत्म एक इबादत है, कुल खानी एक इबादत है, कुरान खानी एक इबादत है। अब आप समझ लेना खुद ही अनुरी और मुसल्ली रखा थे कि बहादी बाजी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल ये चाहता है, मेरी ख्वाहिश कि मैं बकाद इब्राहिम पे दो लफ्ज़ पढ़ सर्वे कौन है अपने महबूब सहाबी को। जवाब क्या दिया, मेरे उम्र मेरे दीन में इसका हुक्म नहीं, अगर हुक्म मुस्तफा ना हो तो निमाज भी नहीं होती, तुम तो दूसरी इबादतों को बतसरा करते हो। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिल में ये ख्वाहिश लिए खामोश हो जाते हैं और तलाश का सिलसिला जारी रहता। अभी इख्तिताम से पहले आसमान से जिब्राइल पैगाम वही लेकर आते हैं और सरवरे कौनैन की जमीन पर पेशाबी पर पसीने के आसार नमूदारों पे, और आप उन आसार को देखकर ये कहा अल्लाह का अमर आ गया है। अमर क्या है,
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فرمایا میرے محبوب جی رب جی بلاؤ گا عمر کو اللہ کیا عمر کیا عدل اور کیا حکم ہے. فرمایا میرے محبوب آپ عمر کو بلاؤ اور عمر کو کہے کہ وہ قبلہ کے رخ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو جائے. بھی دے دو جو بھی اب بیت اللہ میں طواف کرے گا وہ مقام ابراہیم پر تو نفل پڑے گا. اب دین کا حصہ بن گیا ہے. بات میں جو کر رہا تھا وہ دل میں رکھیں کہ دین کسی کی بات کا نام نہیں, کسی کی ذات کا نام نہیں. دین صرف اور صرف اللہ کے حکم کا نام ہے اور محبت کی پاکیزہ زبان کا نام. جب یہاں تک دین رہے گا تو دین میں ملاوٹ نہیں. جب یہاں سے باہر نہیں رہے گا پھر لوگ آ رہے ہیں تو کہ میرا امام ایسے کہتا ہے, میرا پیر ایسے کہتا ہے, میرا بڑا ایسے کہتا ہے, میرا بزرگ ایسے کہتا ہے. اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ تم ہی اپنی اداؤں میں کچھ غور کرو, ہم جو عرض کریں گے تو شکایت ہو. اس لیے آپ سوچیں کہ اگر دین میں صحابہ کو عزت دی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے. یہی ہوگا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بات سننے والا, یہی بات ہے. جب امیر المومنین بنے 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں, صحابہ اکرام کے قافلے کے ساتھ باہر نکلے, ایک پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر زر و کتاب ہو رہے ہیں. صحابہ نے قریب ہو کر کہا بنا تب کی جا صاحب اے رسول کریم کی عظیم ساتھی کیوں روتے تھے؟ لیکن خاموش نہیں ہو, وہ رونے کی مقدار بڑھ نہیں جا رہا. صحابہ نے پھر کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو پھر فرمانے لگے کہ یہی جگہ ہے, یہی وہ پہاڑ ہے. پہاڑ جب میں بکری چلاتا تھا تو میرا باپ مجھے مارتا تھا اور کہتا تھا اوئے تجھے تو اونٹ چلانے بھی نہیں آتا, تجھے تو بکری چلانے کا طریقہ ہی نہیں آتا. میرا باپ بڑا سخت تھا, مجھے مارتا تھا. آج مجھے اپنی ضابطہ تاریخ یاد آ رہی اور آج یہ اگلا نے کہا تھا وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. کہا اللہ نے میری زندگی کو مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ دیا, آج میں دنیا کا امیر کو بھی نہیں بن رہا. اب وہ سابقہ میرا ماضی, وہ میرا سابقہ کردار, اور آج میں امیر المومنین حضرت گرامی قدر. میں قرآن پاک کی جس آیت کو پڑھا ہے بات ادھر ادھر نہ چلی جائے. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان اصبروا صبر کرو, صبر کرو, اصبروا. صبر کی اسلام میں 3 قسمیں ہیں. صبر کی اسلام میں 3 اقسام ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ نیکی پر صبر کرنا. آپ کوئی نیکی کا کام کر دیں آپ کو تکلیف ہو رہی, پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, دکھ اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, آپ اس نیکی کے تسلسل کو جاری رکھیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین جاسوس کی نماز کی 8 رکعتیں پڑھتی تھی. یہ اشراف کے بعد کا ٹائم ہے, تقریباً ہمارے حساب میں 8 بجے کا ٹائم ہے. تو جو 5 وقت نماز پڑھتا ہو, تہجد پڑھتا ہو, اشراف پڑھتا ہو
और वो अपने टाइम में से वक्त निकाल कर जो घर का काम काज करना हो वो भी हो, जिम्मेदारियां भी हो, और फिर निमाज़े चाशत करना नेकी का काम जो जरा मुश्किल है। ऐसा से किसी माँ बहन ने पूछा तो फरमाने लगी लौ नुशिदा वालिदैया लम अतरकुहा, अगर मेरे माँ बाप कब्र से जिंदा हो जाए और मेरे पास आ जाए खुशी का वो अजीब लगा हो तो मैं तब भी ये नमाज नहीं छोड़ूंगा। कि सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? फरमाया जिस पे दबाव। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा ऐसा ना हो कि एक रात क़याम कर दिया दूसरी रात छोड़ दिया। नेकी का काम थोड़ा हो मगर उसमें दवाएं मिली हमेशा की हो वो अमल छूटे ना। अल्लाह नेकी की आपको बड़ी मिसालें दी, नेकी की आपको बेपनाह मिसालें मिलेगी, लेकिन नेकी पे तकलीफ बर्दाश्त करके जो सबर का मुजाहरा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करा दिया दुनिया में से कोई मिसाल नहीं। घुमैया आपको मारता, गर्म रेत पर लिटाता, चलते हुए कुलते हुए पत्थरों पर लिटाता, और आप कहते आहा आहा अल्लाह एक है भी इज्जत भी और वकार से नवाजा एक है, लेकिन अगर अल्लाह एक है आप अल्लाह मेरे लाल है मुतमईन नहीं है अल्लाह एक है बड़ी बात है बड़ा ने बात की तो मगर बड़े बड़े लोग बड़े बड़े तालाब पीछे हटके मगर सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसीबत के वक्त नेकी करते हुए सबर का वो मुजाहरा किया जिसकी दास्तान आज भी दुनिया में बयान, जिसका आज भी जिक्र होगा। और फिर जब अल्लाह ने वो लम्हा गुजार दिया वो वक्त गुजर दिया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरमाया बिलाल कौन जी अल्लाह के महबूब हुक्म फरमा दीजिए ना। फरमाया बिलाल खड़े हो जाओ। अल्लाह पाक ने बड़ी आसानी का दौर पेश कर दिया है, मालिक ने बड़ी आसानियां दे दी है। फरमाया आप मेरे लिए अमल और हुक्म क्या है? फरमाया बिलाल कौन या बिलाल खड़े हो जाओ और अल्लाह के घर बैतुल्लाह की छत पर चढ़ जाओ। या अल्लाह या रसूलल्लाह फिर मेरे लिए क्या होगा? मैं फरमाया आप बैतुल्लाह की छत पर चढ़ कर ना अल्लाह का नाम जो अजमत वाला है, अल्लाह का नाम जो किबरियाई वाला है, अल्लाह का नाम जो बड़ाई वाला है, फरमाया उस नाम को बुलंद कर दो ना। सैयदना बिलाल बैतुल्लाह की छत पर चढ़ कर कहते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह की पढ़ाई वाला नाम अजान की मजे ले लेकर वो भी बैतुल्लाह की छत पर सबसे ऊंचा मकाम उस कायनात में जो सबसे ऊंचे दर्जे की जगह थी वो बैतुल्लाह की छत थी और आज भी उसको कोई मकाम आ सकता है, बिल्डिंगें उससे ऊपर भी जा सकती। वो बक्का टावर हो अल्लाह हाजर के आस देश जैसी बिल्डिंगें हो वो रौला भी जा सकते, लेकिन याद रखे जो सबसे बड़ा मुकाम इस कायनात में हासिल है वो बैतुल्लाह का दर्जे के लिहाज से मुकाम के लिहाज से हजरत बिलाल बैतुल्लाह की छत पर चढ़े और अजान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को कहा कि बिलाल आज मेरे अल्लाह ने तुझे बड़ा सिला दिया। क्या सिला दिया आका मुझे बताओ तो सही क्या सिला?
فرمایا بلال آج اللہ نے بہت بڑا صلہ آپ کو دیا ہے, وہ کیا ہے؟ فرمایا جب میں معراج پر گیا تھا تو اللہ کی جنت میں آپ کی جوتیوں کی آواز مجھ سے پہلے آئی. حضرات کرام قدر یہ ہے نیکی پر صبر کرنا, اس کے لیے مسلمان نماز گئی, تلاوت گئی, نوافل گئے, فرائض گئے, جہاں تو عالم یہ تھا کہ سید عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب خنجر لگے پیٹ تو چاک ہوا ہے, خون کے فارے چل رہے ہیں, آپ ساتھ والے سینٹری کو کہتے ہیں کہ تب میں سلام نماز کو پورا کیا, کوئی اور امام آیا اور نماز کو پورا کیا, یہ اللہ کی عبادت ہے. حضرات اکرامی قدر اس بیرو قرآن کیا کہتا ہے؟ صبر کرو. ہمارے صبر کی کئی قسمیں ہیں. ہمارا صبر اس عورت اور بیوی کی طرح ہے جو سارے دن گالی پکتی ہے, لڑائی کرتی ہے, گلا اس کا بیٹھ جاتا ہے, لڑ لڑ کے گالی دے دے کر پڑوسیوں کو تھک جاتی ہے, تو شام کو جھولی پھیلا کر کہتی ہے میرا تو صبر کر. یہ ایسا صبر عند صدمت الرولا, صبر یہ ہے. کائنات کے امام فرماتے ہیں ادھر مصیبت ہے تو کوئی پیغام آپ کو پہنچا, ادھر آپ نے صبر. اس بے روح ایمان والوں صبر کرو. صبر کی دوسری قسم, پہلی قسم آپ کو سمجھ آ گئی کہ نیکی پہ صبر کرو, پریشانی آئے, کوئی تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرو. جیسے نبی علیہ السلام کے پاس آلے یاسر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گجال میں پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا اور بد بخت کہنے لگا ان کو نہ پانی پلائیں گے نہ روٹی دیں گے, یہ بڑی تکلیف ہوتی اور آپ. لیکن جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو تک رسول نے جواب کیا کہا تھا, اس بلو یا آل یاسر فینا موعدکم الجنہ, تم اب صبر کر لو, میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس کے بدلا, اس تکلیف کے بدلا ہمارے پاس پلا ہوا سوالا ہوا دیکھ ہوتا ہے. اللہ کی قسم سے محمد مصطفیٰ کے یاروں کی تاریخ پڑھو کہ دین اسلام کے لیے صحابہ نے کیا کیا قربان کی. ہمارے پاس تو پلا پرسا جانا پہچانا ہوا نہیں. کلمہ وہ ہے جو ہماری ماں نے ہمیں گود میں کھلاتے ہوئے پڑھایا اور آپ نے پڑھ لیا. اس کلمے کی دعوت کے لیے صحابہ کے سر کاٹے گئے, صحابہ کے بچے جمع ہوئے, صحابہ کو گھر چھوڑنا پڑا, جنازے گئی, مال گیا, دولت گئی, پتنی گئی, بھیڑ گئے, گئی اونٹ گئے, سب کچھ لٹا کر اللہ کے نام پر خالی ہاتھ پتی میں ملا پہنچ. پھر دیکھیے مانگا بازار کی طرح بھی یہ نہیں کہا کہ ہماری جھولی بھرو, ان کی تو جھولی نہیں بھر جاتی. سارا ملک کھا گئے, ملک کو کھوکھلا کر دیا, جھولی ان کی پھر نہیں بھری. آئے دن پٹرول مہنگا, بجلی مہنگی, کہاں سے غریب آپ بجلی کا بل ادا کر, شرم نہیں آتی. مثالیں دی جاتی ہیں کہ جو اللہ کے کنارے پر اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو حضرت عمر کو اس کا بھی جواب دے, تو وہ عمر تھا کہ اس کو جواب دینا ہوتا تھا. ہائے ہائے, صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ گناہ سے صبر کرنا, گناہ سے صبر کرنا, گناہ سے دکھ جانا, اپنے نفس کے خلاف کے ہاتھ جو جی میں آیا, جس کے لیے دل للچا رہا ہے اس سے رک جانا, بھائی یہ کام نہیں کرنا, یہ بہت گناہ کی بات, یہ بہت جرم کی بات, اس سے رکے رہنا. اس کی مثال بڑی گئی قرآن مجید, ایک قرآن مجید میں مثال ہے اور ایک نبی اسلام کی زندگی میں.
उन्होंने जान देता हूं। कुरान मजीद में जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है उसमें बड़ी इबरत है, बड़ी नसीहत कि इब्रातुल अजीज अजीज मिस्र की बीवी सैयदना यूसुफ के हुस्न पर फरेख्ता हो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया का आधा हुस्न सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है, दुनिया का आधा हुस्न सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम, मगर जो हुस्न अल्लाह पाक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था वो बिल्कुल किसी से कम नहीं था। हमारी माँ ने यहाँ एक बड़ा जुमला कहा, आयशा ने फरमाया अजीज मिस्र की औरतों ने यूसुफ के हुस्न को देखकर अपनी उंगलियों के बोले काटे थे, कहीं मेरे मोहम्मद मुस्तफा को देख लेती तो मैं कलेजे निकाल देते। आप जात के लिहाज से कि दुनिया में हसीन थे, बात के लिहाज से भी आपका कोई दुनिया में मुतबादल नहीं। इसलिए हम जात के लिहाज से आपकी अजमत आपकी शान हर एक मान का है। आपके अशआर नगमे प्रोग्राम आपकी जात पर किए जाते हैं, मगर आपकी बात पर सेमिनार क्यों नहीं होते, हदीस पर सेमिनार क्यों नहीं करवाए जाते थे, अल्लाह के रसूल के हुक्म पर सेमिनार क्यों नहीं करवाए जाते थे। याद रखे जात को मानने वाले वो भी थे जिन्होंने आपका कलमा ना पढ़ा, जात को तो वो भी मान की कसम से मानते आपके हुसन में वो फरेब था। सरदार अकबर पुत्र जब अबू लहाब ने आप पर उंगली उठाई इतराज किया वो आपकी जुबान से निकले हुए बोलों पर इतराज था, साथ में नहीं था, फंक्शन में आया हुआ था, हकीके के दावत के मजे में लूट रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहता है, उन्होंने पूछा इसका नाम क्या रखा है, कहा मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु, बोल के कह दो दरबार बोलो सल्लल्लाहु और बोल के कह दो सल्लल्लाहु, आपकी आवाज निकल गई। कि ये बड़ा अजीब नाम है, अरब में ऐसा जवाब नाम नहीं था, हमने ऐसा नाम कभी नहीं सुना। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने खुश होकर कहा तुमने अगर ऐसा नाम नहीं सुना है तो ऐसा बेटा नहीं। वो ऐसा बेटा रुखा बेटा पे तुम क्या है, मोहम्मद दे दादे नू कहते ने सारे अब्दुल्ला की बन के निशानी जो आया की नाम बेटे दा रखिया रखाया मोहम्मद ए नाम औखा जाए मोहम्मद ए नाम अनोखा जाए सुनिया जल ताते अंदर सदाए मोहम्मद नु गोदी चुक के ले आए सुनिया जद दादा सुनिया जद दादा अंदर सदाए मोहम्मद नु गोदी चुक के ले आए कहन लगे नजरा अता दे ओ चुको मेरे सोने पुत्री का भुखड़ा तको जा हुस्ने मुहम्मद जा हुस्ने मुहम्मद ते कीते निसाए कोई गल ना कीती ते चुको के सारे आखे ये बेटा इस खबर इसका नाम भी अनोखा अंदाज भी अनोखा असरा तो इकरामी कदर बात इधर उधर न चली जाए इस सबर करो
बीबी कहने लगी قالت هي طلق جو سب ذرا نگاہیں اٹھا تو سہی میرے حسن کو دیکھ میری طرف نظریں اٹھا جناب یوسف علیہ السلام نے جب نظریں اٹھا کر بے ساختہ اس بیوی کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے سیدنا یوسف علیہ السلام ادھر دیکھ کر بے ساختہ فرمانے لگے قال معاذ اللہ قال معاذ اللہ جناب یوسف علیہ السلام اس بات کو باپ چکے تھے کہ اس جگہ اگر کوئی صاحب پہچا سکتی ہے کوئی صاحب مجھے پہچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساختہ ہو گئے اللہ اکبر بول کر اعلان کر کے فرماتے ہیں بیوی تجھے شرم آنی چاہیے تم کن جرائم میں لا کر مجھے تم نے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبان سے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ جب یہ جملہ نکلتا ہے قال معاذ اللہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس جرم گناہ سے اگر کوئی صاحب بچا سکتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی ارادہ کیا اور اللہ کی پناہ کا راستہ اختیار کیا تو آسمان سے اعلان آتا ہے یوسف دروازے تو بند ہے تالے بھی لگے ہوئے بی بی نے کام تو بڑا پختہ کیا ہے پر یوسف تو نے ان تیراموں کے راستوں میں ہمیں پکارا ہے نکلنا تیرا کام ہے دروازوں کو کھول دینا تیرے رب کا کام بڑا پکا کام کیا تھا وغلقت الابواب وقال حیث دروازے بند ہیں دیکھو تو صحیح اللہ سیدنا یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کا سبب اپنے نفس پہ اعتراض دروازے کھلے آرام اپنا دامن بچا کر گزر جاتے یہ یوسف تھا ایک نبی علیہ السلام کا بھی یوسف تھا اس کا نام تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑا تکڑا بڑا مضبوط آدمی تھا۔ نبی علیہ السلام کو ایک دن کہنے لگا اللہ کے رسول زندگی بھر چوری ہے ڈکیتی کی ہے لیکن آپ اسلام نے روک دیا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا تم مکہ جاؤ جو ہمارے مسلمان قیدی پھنسے ہوئے ہیں ایک ایک دو دو قیدی نکالو تو تمہیں اللہ ثواب بھی دے گا تیری نیکیوں کی خواہش پوری ہوتی رہے گی۔ جاؤ نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی ہے ہنستا مسکراتا دوڑتا ہوا مکہ میں پہنچتا ہے مکہ میں پہنچ کر اپنا کام کرتا ہے روزانہ ایک آدھ قیدی نکالتا ہے اور نکالتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا اس کو زمانہ جہلیت کی محبوبہ اس کو آواز دی اور پکارا کہنے لگا آہم کا ابھی مسجد کیا تو وہ مسجد ہے آہم کا ابھی مسجد فقال نعم ہاں انا ابھی مسجد کہا مجھے دیکھا ہے میں مناف ہوں جس میں تم فریبتا ہوتا جس میں تم جان دیتا تھا مرتا تھا میں وہی مناف ہوں پہچانا مجھے اللہ اب یہ اس کا جواب سننے والا ہے۔ مناف کو کہتا ہے اپنے حسن کی بات کرنے والی پیچھے پلٹ جاؤ میرا راستہ چھوڑ دے جن نگاہوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا ہے وہ کہیں اور دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا پر پیچھے چلے گا پیچھے نہیں جانا میں شور بچاؤں گی بتاؤں گی کہ تو ہی وہ ڈکیت ہے جو ہمارے قیدی نکال کے لے جاتا ہے ابھی بتا دوں گی کہنے لگا بتا دے اس نے ایمان کا فرما جانے نے چھوٹی دیوار میں بنا لیا اور وہ غائب ہو ڈھونڈتے رہے مجھے نظر
मैं ना पढ़ा, मैंने दोबारा अपना काम किया और मैंने उस दिन लपड़े रब की ताकत को देखा कि जिसके साथ अल्लाह की साथ हो दुनिया सारी उसकी मुखालिफ हो, खुदा की कसम एक बात के बराबर भी नहीं। किसी को हाथ लगता है, किसी को घोड़ा लगता है, कोई मेरे ऊपर पानी फेंक देता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता मैं कहां पर हूं। हजरत इकरामी का तो इस पे हो सफर को सबर का रास्ता है, ये बेहतरीन रास्ता है। हजरत सबर की तीसरी किस्म वो हमारे मुआशरे में अक्सर आती जाती रहती है। सबर की तीसरी किस्म वो है मुसीबत पर सबर करना, मुसीबत पर सबर करना। अल्लाह की तरफ से कोई आ जाए उस दुख को बर्दाश्त करना और ये कहना कि ये अल्लाह ताला की तरफ से और अपने अल्लाह की तरफ लौटता है। सबर की पहली किस्म ये है कि नेकी पर सबर करना, तकलीफ आए वो नेकी जारी रहे। और दूसरी किस्म जो मैंने जिस पे आपको दलाल दिए हैं वो है सबर गुनाह पर सबर करना, गुनाह करने से सबर करना रुक जाना। और तीसरी किस्म सबर की कुरान ने जो बयान की है वो है मुसीबत के वक्त सबर करना। कुरान ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जरा तो बच्चों कीजिए ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सबरू वसाबिरू, जिसके लिए बिलाल ने आवाजें उठाई, सरवरे कौनैन के सहाबा ने आवाजें उठाई अल्लाह की वहदानियत और यकदाई पर। और यहाँ पर क्या फरमाया, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। जब भी कोई मुसीबत आए, हजार दुख का वक्त आ जाए, बड़ी बड़ी परेशानी आए, इधर देखो ना जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अम्मा जी हाजरा और अपने बेटे को लिया और जाकर जंगल दिया बाहर में छोड़ दिया। कोई बंदा दूर दूर तक अड़क नहीं आता। बीबी हाजरा बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ कभी सफा पर जाती है, कभी मरवा पर जाती है और दौड़ दौड़ कर अपने बेटे को देखती है। आसमान वाले ने ऐलान किया, अगरचे बीबी हाजरा अपने बेटे की खैर और हाजत के लिए दौड़ती रही है, लेकिन मैंने इसको हद का रुकन बना दिया। कयामत तक जो भी हाजी आएगा वो सफा मरता पे दौड़ता हुआ नजर आए। आज मैंने दीन का हिस्सा करार दे दिया है। आज कुर्बानी ऐसी होती है जो दीन का हिस्सा हो जाती है। सैयदा हाजरा कभी मरवा पर, और लिखने वाले ने कमाल बात की है, मरियम नो पुत्र ते बे पुत्र ते कमाले नान मंगे सिकरिया ते हो गए चिट्टे वाले, पारा भाई यूसुफ नो भी नान वाला कौन, इको अल्लाह इको अल्लाह, एहो जी साथ अल्लाह पाक दी कोई नहीं जे उस दी बराबरी, इको अल्लाह अल्लाह कल्ला कोई नहीं जे उस दी बराबरी, वखो वख शकला बनान वाला कौन, खूह विच सुटा भांगा ने ओ तखत ते बिठांदा ए, चली गई बिनाई इत्थे बाप रोई जांदा ए, यूसुफ ते यकूब नू मिलान वाला कौन, इको अल्लाह एहो जिही ज़ात अल्लाह पाक दी कोई नहीं भी अल्लाह पाक नाल बराबरी। अल्लाह ताला तो बड़ी सुनने वाली बात है, गौर से बात सुनने वाली है। अल्लाह अकबर, सैयदा हाजरा कहां सफर पर कहां मरवा पर दौड़ती है और कुछ लगिया प्रयास इस्माइल जन्नी जान सी, दौड़ी सफा मरवा ते अमा परेशान थी, लगिया प्रयास इस्माइल जन्नी जान सी, दौड़ी सफा मरवा ते अमा परेशान थी, पैरा थलो सब सब चलान वाला कौन, इको अल्लाह
हो जी तौहीद अल्लाह पाक दी कौन करे मेरे के अल्लाह दी बराबरी अल्लाह कल्ला कोई नहीं जी उस दी बराबरी इसबिरु वसाबिरु एक बार बार सबर करो मुसीबत के वक्त सबर करो गुनाह से बचने वक्त सबर करो अगर अल्लाह पाक का अमर और फरक रब तआला की तरफ से कोई इत्तला आए तो फौरन फरमाया वसाबिरु वराबिरु सबर भी करो और रास्ते में भी आ जाओ सबर भी करो और रास्ते में भी आ जाओ इसबिरु वसाबिरु हर दो तरफ रब العالمین का इनाम है अगर तुम्हारा ऐसा सबर होगा जैसे अम्मा जी हाजरा ने किया ऐसा सबर होगा जैसे बीवी उम्मे सुलैम ने किया तो फिर दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती इस बिरु व साबिरु व राबिरु लेकिन ये सारा सब कुछ आपको दीन इस्लाम से मिलेगा ये चौकों चुराहों से डाकू और लुटेरों के पास नहीं होता ये दीन कुरान और सुन्नत से मिलता है जब आप दीन की तरफ रागब रहे जब आप दीन सीखने की कोशिश करेंगे फिर अल्लाह ताला आपको दीन भी देगा इज्जत भी और वकार से नवाजेगा लेकिन अगर आप दीन के मामला में मुतमईन नहीं है सेट सफाई नहीं इसलिए कुरान पाक ने तीनों लफ्जों पे बड़ा जोर दिया है इसबिरु वसाबिरु वराबिरु सब्र खुद करो सब्र की तलकीन करते रहो और एक दूसरे के एहसास एक दूसरे की दुख और तफरीक के साथ ही पढ़ो वत्तकुल्लाह तीन हुक्म देने के बाद चौथी बात पर फरमाया कि अल्लाह से डर करो तीनों हुक्म और अमल जब मुकम्मल हो जाए बीबी उम्मे सुलैम ने बहस से आने वाले अपने खामत को देखा सड़ती हुई तपती हुई धूप में पैदल चलते हुए सफर करते घर आया अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मायार शरीयत दिया है वो श्री मायार शरीयत ये है कि दुनिया में खैरुकुम खैरुकुम लियादी सबसे बेहतर वो आदमी है जिसको अपनी घरवाली अपनी बीवी के लिए बेहतर नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब उसने उसकी तरफ देखा था और उसकी मुस्कुराहट में फिर भी एक थकावट को उतार दिया तो उसने हक्के सोची ये जो है वो अदा कर उसने ये देखा कि मेरा मियां तो महल से थका हुआ आया है बच्चा फौत हो गया है फिर फौर इत्तला देने की बजाय उसे कुछ देर बड़ी हिम्मत और सबर और तहम्मुल मिला पानी दिया खाना दिया खाना खिलाने के बाद के पास बैठी गुफ्तगू शुरू हुई फिर उसने बड़े तरीके सलीके से कहा जिसकी अमानत हो और अगर अमानत वाला अपनी अमानत की डिमांड कर ले तो फिर उसको अमानत वापस करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए तो फरमाया फिर हमारा बेटा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो चुका कई दिनों की तकलीफ और गुरम में मुबतला था वो आज सुबह उसका इंतकाल हुआ और अल्लाह का करना ऐसा हुआ आप ही सफर से वापस आ गए वो आराम से लेटा हुआ है उसके ऊपर मैंने चादर डाली हुई है उसने कसर कसर कराई तमाम हुआ अल्लाह के रसूल के पास शिकायत लेकर पहुंचा कि मेरी बीवी ने ये हरकत की नबी ने इस्लाम ने फरमाया अल्लाह युबारिक फी अल्लाह के रसूल इतने खुश हुए फरमाया जो अमल तेरी बीवी ने किया है मैं उसकी जिंदगी में बरकत की दुआ करता हूं वो ऐसी खातून अजीम खातून वो करना सच है बहुत इसलिए फरमाया अहले ईमान इसबिरु वसाबिरु वराबितु तीनों का पता है फरमाया सबर भी करना है सबर करने के बारे में अमल और हुक्म भी देना है हजरत इकरामी कदर वक्त हुआ मुझे इजाजत नहीं दे रहा सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत बीबी सैयदा हाजरा अलैहिर्रहमा और आपका सबर फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा
और जब रब्बुल आलमीन इसका इख्तियार दे दे तो फिर मोमिन आदमी अपने अल्लाह पे राजी हो जाता है। आखिरी मिसाल और मेरा सलाम नबी अलैहिस्सलाम का बेटा इब्राहिम सैयदा मारिया बिबिया के बदन से थे। एक साल दस माह और कुछ दिनों का होकर फौत हुआ, आपकी गोद में फौत हुआ। उस दिन इत्तफाक से सूरत की रह हुआ, दुनिया का कोई जहली पीर होता, दुनिया का कोई टैली लुटेरा होता तो कहता आज मेरे बेटे की वफात से सूरत बिगड़ लगा। आपने पत्थर तले तो था इन शम्स वल कमर मिन आयात अल्लाह, लोगों चांद और सूरत अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, किसी की मौत या से इनका कोई ताल्लुक नहीं। मेरा बेटा अल्लाह का अमर आ चुका है मेरे बेटे पे। और फिर आपने खुश होकर कहा हम अपने रब के फैसले पे राजी हैं, हम अपने अल्लाह के फैसले पे राजी हैं, हम भी राजी हैं। अल्लाह हमसे अपने दीन का काम लेता है और तुम लुटेरों के फैसलों पर भी हम राजी हैं। तुम तबला असर दिए हीले बहाने के जरिए फांसी हुई आदमी को रूल देते हो, तुम इस बात पर खुश होते हो, हम इस बात पर राजी हैं। रसीना निकालेंगे जिन पे अल्लाह राजी होगा। तो मैंने तीन गुजारिशें आपके सामने रखी है। पहली बात यह है कि नेकी पे सफर करना अगर तकलीफ है तो उसको बर्दाश्त करना। दूसरा अमल ये है कुरान का अल्लाह अकबर, गुनाह से रुक जाना सब्र और तहम्मुल के जरिए। तीसरा अमल ये है कि मुसीबत पर सफर करना। यकीनन ये बहुत बड़ा सदमा होता है जब किसी अपने प्यारे का जाना, मगर सब्र के दामन को हाथ से नहीं जाने देना। हम तो कहते तो हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये सब अल्लाह की तरफ से अपने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, लेकिन उसका अमली मुजहरा हम नहीं करते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें किताब व सुन्नत को समझ कर इसके मुताबिक जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।